अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब बहन भाइयों, आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आपको बेशुमार नेमतें नाज़िल फरमाए। आज हम बना रहे हैं चावलों वाली खीर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम आपको बना के दिखाएंगे। अब प्रेशर में मैंने पानी डाल दिया। इसमें मैंने ये एक गिलास से भी कम चावल हैं जो मैंने भिगोए हुए थे रात के, ये मैं अब डाल दूंगी इसमें। मैं इसमें एक दफा चम्मच चला दूंगी और इसका प्रेशर का ढक्कन ऊपर लगा दूंगी। अब 9 मिनट पहले तेज़ आग, इसके नीचे फ्लेम ज़रा तेज़ रखूँगी और 2 मिनट बाद मैं ना उसको आस्ता कर दूँगी हल्की आंच पे, ना मैं चावलों को उबालूँगी। अब चावल हमारे उबल गए, इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल कर दूँगी ताकि इनमें अब मैं मशीन मार लूँगी ज़रा। अब इसमें मैंने दूध डाल लिया, चावल हमारे गल गए, अब इसमें मैं मशीन मार लूँगी ज़रा। अब इसमें मैं और दूध शामिल कर लूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह ला लूंगी गाढ़ा होने तक, फिर आपको दिखाती हूँ। ये एक पैकेट मैंने लजीजा खीर मिक्स का इसमें शामिल कर दी है। ये दस मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी खीर किस तरह से बन रही है। ये एक डब्बा मैं नाते का इसमें शामिल कर लूंगी। नाते के साथ हमारी जो है ना खीर, ये क्रीमी क्रीमी बनेगी, बहुत ही मजे की। अब इसको मैं आस्ता लाती जाऊंगी पकने तक। नाता डालने से बहुत ही अच्छी और मज़ेदार क्रीमी क्रीमी खीर तैयार होती है। एक कप चीनी मैं इसमें शामिल करूंगी। तैयार हो गई है तकरीबन खीर और अब मैं इसमें चीनी शामिल करने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी कारी करूंगी क्योंकि एक ही दफ़ा डाल देना तो फिर वो खिट्टे बन जाती है। थोड़ी थोड़ी करके ना इसमें शामिल कर लूँगी। अब सारी चीनी मैंने इसमें आस्ता आस्ता शामिल कर दी है। हमारी खीर बहुत ही प्यारी तैयार हो रही है। अब इस टाइम पे हमारी अब खीर तैयार तकरीबन हो गई है
और मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी। और अब इसमें मैं यह किशमिश शामिल कर दूंगी। मेरे बच्चे खीर के अंदर पिस्ता बादाम नहीं पसंद करते, इसलिए मैं ऊपर से डोंगे के ऊपर लगा लेती हूँ। जिसने खानी हो वो खा ले, जिसने नहीं खानी वो ना खाए। अब मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। अब तकरीबन हमारी खीर तैयार हो गई है। मैंने इसकी चीनी चेक की है, वो थोड़ी सी कम है, ये मैं थोड़ी सी और डाल लूंगी इसमें और इसको ला लूंगी। इस तक जब तैयार होने वाली हो खीर, आप चेक करके अपनी जितनी आपने चीनी रखनी हो उस बेजायका आप उतनी रख सकते हैं। हम लोग तो ज़रा कम ही चीनी खाते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं खाते, इसलिए मैंने तो उसमें कम ही डाली है। अब हमारी बहुत ही प्यारी खीर तैयार होगी, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप गाढ़ी कर दें तो फ्रिज में रखें ना तो ज़्यादा सख्त हो जाती है। अब मैं इतनी रखूँगी। हमारी बहुत ही प्यारी खीर तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी अब बहुत ही प्यारी खीर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।